मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है मैडम। अतीक हम्म, अहमद किसी हाथी से कम नहीं था, ढील ढाल से लेकर रुपए पैसे, बाहुबल, नेतागिरी, हर चीज में। मैम देखिए है क्या, हमदर्दी वही दिखाता है जिसकी कोई रिश्तेदारी रही हो, वंश बेल रही हो, संबंध रहे हो। एक आम आदमी, मान लीजिए हम है आप है, जिनको अतीक अहमद से कोई मतलब नहीं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमने तो हमारे ऊपर तो कोई असर, इलाहाबाद में 500 लोग पड़े हुए हैं, उनके मोहल्ले के लोग, जिनके ऊपर कोई असर नहीं है। अब बिहार में कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है तो भाई कुछ रिश्तेदारी होगी, चाहे प्रोफेशनल रिश्तेदारी रही हो, चाहे पर्सनल रही हो, जी, ससुराल रहा हो, कुछ भी। कहने का मतलब पॉलिटिकल रिश्तेदारी भी हो सकती है, ठीक ठीक है। है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई राजा कैसे ये विश्वास करेगा या कैसे मान जाएगा कि वो शतरंज के खेल में 2.5 घर चलने वाला घोड़ा जो होता है उसकी मौत हो जाए, हाथी, ऊंट या वजीर की मौत हो जाए, यानी जो इंपॉर्टेंट मोहरे होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां इसके बारे में हाय तौबा मचा रही हैं, रेदर देन की कोर्ट में जाकर के जो बहस हो, जो कंक्लूजन हो वो कोर्ट देगा, सुप्रीम ठीक। कोर्ट तक जो है केस चलते हैं, फाइनल कंक्लूजन आता है एज पर लॉ, उसका वेट नहीं कर रहे हैं, अपने तरफ से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है मैडम। अतीक अहमद किसी हाथी से कम नहीं था, ढील ढाल से लेकर रुपए पैसे, बाहुबल, नेतागिरी, हर चीज में। अब इंपॉर्टेंट चीज, अतीक अहमद जब एकदम अपने चरम पे था, जब वो लोकसभा का सदस्य था, विधायक था, उसकी सरकार थी यानी सपा की, 100 से ज्यादा मुकदमे थे, अगर वो इतने ही इज्जतदार थे तो धड़ाधड़ प्रेजेंट होकर के बेगुनाह से बेगुनाहों की बेगुनाही की सफाई देते वहां पे कोर्ट में, और सारे मुकदमे से बरी हो जाते। लेकिन वो तो मुकदमे को पाल रहे थे। ऐसा भी सुनने में आया था कि 10 जजों ने डर के मारे, या उस अतीक अहमद ने बोला था कि भाई सुनना मत। एक सवाल मेरा है, जी। 40 साल के टाइम में यहाँ हम लोगों के ऊपर मैडम एक मुकदमा या चालान हो जाता है ना, ये ट्रैफिक पुलिस वाले कर देते हैं, तो 2 दिन 3 दिन में एक साधारण आदमी जाके चालान को जमा करके अपने ऊपर से वो चीजें हटवा लेता है। वो तो हमारे कॉलर पे, हमारे शर्ट पे एक दाग पड़ जाता है तो शाम को हम उसको धो करके साफ कर देते हैं। और 40 साल तक जिनकी सरकारें 15 15 साल तक रही, चलिए सही या गलत, वो प्रेशर देके ही अपने फेवर में अपने आप को अदालत से, ये आरोप मैं आप कपीस जी नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप अदालतों में लिखित रूप में है कि बिल्कुल। भाई इन्होंने ये किया। कपीस जी आप जाके वकालत करके हटवा दीजिए ना, अगर इतनी चिंता है तो सभी आरोपों से मुक्त बिल्कुल, करवा दीजिए। सरकार तो इनकी रही थी तब आप भी इन्होंने कुछ विधानमंत्री नहीं थे, किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाथी मर गया है तो भी वो 1.25 लाख का बिकेगा। ये जो जितने लोग बोल रहे हैं ना कि हाय मेरा हाथी मर गया, हाय मेरा हाथी मर गया, अब ये उसके टुकड़े टुकड़े बेचेंगे, अरे दांत वो अलग हाथी से भी बेचेंगे, भारतीय जनता हड्डियां पार्टी का था। अलग से बेचेंगे। मिश्रा जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो हाथी भी भारतीय जनता पार्टी का था। 2018 से इनको फाइनेंस कर रहा था। ये आपके कान में आई थी कि आपकी भी रिश्तेदारी थी नंदगोपाल नंदी से। नंदगोपाल नंदी से मिश्रा जी आपकी रिश्तेदारी थी क्या? ये जो 5 करोड़ रुपया दे रहा था नंदगोपाल नंदी साहब को, ये फाइनेंसर किसका था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। ये मजा कौन दिला रहा था? गोपाल नंदी जेल से में ना, मजा मेरी कौन अम्मा दिला से रहा ना, था? वो बहन जी अपनी से, आकर के बॉडी मेरी के जेल में रह मेरी गए। आपसे भी रिश्तेदारी नहीं है सर, ये कौन दिला रहा मेरी था? आपसे भी रिश्तेदारी ठीक नहीं है। है, कितना दिला रहा था? कपीश जी, हम वो एक मेरा सामान्य सम्मान से से आदमी है ठीक है जो सर। हमें ये दिख रहा भारतीय है वो हम केंद्र है बता रहे जो हैं। जेल अच्छा, में रही मजा बात ले रहे आपने थे जो बोला अभी, तीनों वो कौन दिला शूटर, रहा था जो स्मृति वीडियो ईरानी कॉन्फ्रेंसिंग और ये और वो कांग्रेस उनके वाले देखे थे? गए। अरे भाई, अतीक अहमद तो रोज ही अखिलेश यादव ठीक है, या ठीक है, सत्ता में जो एक उनके मिश्रा सामने जी, लड़े ठीक है, रहते ठीक हैं, और है। भाजपा के अतीक अतीक रिश्तेदार अहमद लड़े सर, हैं, ये प्लीज उनका शांत हो कुत्ता जाए नहीं सर, था आपका दुख हो प्रधान रहा है, मुख्यमंत्री दर्द जी, हो रहा है क्या? तो ये कैसी भाजपा के रिश्तेदारी है रिश्तेदार हैं साहब? क्या? आदमी तो आदमी, जानवरों अरे की भाई, आप रिश्तेदारी नंदगोपाल है यहाँ नंदी पे के भी। रिश्तेदार हैं, कपीश जी, कहा आपको आपको दर्द सब क्यों हो रहा है? रिश्तेदार ठीक है छापे सर, पर सर हो गया सर। कपीश छापे जी, आपको आप दर्द लोग क्यों क्या हो रहा अपनी है? छाप लेट रहा है एक भाई? मिनट कपीश जी, मैं मेरे टीवी सवाल पर सुन लीजिए, पूछ रहा कपीश हूँ, जी बहुत हो गया नंदगोपाल आपका, नंदी सर मत सुन दिला रहे लीजिए। थे अरे, नहीं, मैं मैं बताता बताता हूँ हूँ कपीश जी, नहीं मैं बता बोलूँ पाएंगे सर, डॉक्टर मैं मेरे सवाल परिवार पूछ लूँ का अगर ना मैं पाप, आपको, मैं प्रवर्तन बताता है हूँ सर। एक बार शांत हो क्या? जाइए ये है है क्या? पट्टी लगा लिए ऊपर से थे, आदेश आया डॉक्टर की हुआ है, सुई। कपीश जी को क्या बोलना है, तोते की तरह रट लिया अरे है, भाई, मैं तो जो कपीश जी बोल रहा सवाल हूँ ही नहीं वो सुन रहे जानिए मेरा ना, तो। कि नंदगोपाल नंदी का केस सुने हैं कि नहीं सुने? ये दोनों जेल अरे भैया, किसके किससे संरक्षण में थी? ये अरे आप भाजपा की मेरी बात सरकारें किसको सुनिए, मजा दिला रही थी अंदर? नंद गोपाल, मैं बोलता हूँ अरे नंद भाई, ये गोपाल नंदी, बताइए मान ना, लीजिए ये दोस्त दोनों थे जो जेल तो में नंद बंद गोपाल थे, नंदी इनको मजा बम कौन तो दिला नहीं रहा मार था? रहे हैं,
फायरिंग तो नहीं कर रहे हैं, धमकी तो नहीं दे रहे हैं पुलिस को, शासन और प्रशासन को। तो भाई देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि अभी बहुत सारे गुंडे जिंदा होंगे, माफिया जिंदा होंगे, लेकिन वही माफिया यूपी में जिंदा रहेगा या जो सरेंडर कर देगा या जो सत्पुरुष बन जाएगा, बढ़िया इंसान बन जाएगा। एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी रुक जाइए, कपीश जी मैं सवाल सुन रहा हूँ, वासुदेव जी आती हूँ, सर सवाल सुन लीजिए, सर मुझे आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, सवाल सुन लीजिए मेरा, पता नहीं क्या बोले जा रहे बार बार, सर एक बार कपीश जी सुन लीजिए, कपीश जी इतना अधिकार इतना नहीं होगा बोलने के लिए, कपीश जी सुन लीजिए मेरे सवाल, ऐसे कर रहे जैसे कंटिन्यू बोले जा रहे हो आप, लड़ रहे हैं, डाउन कराइए, रिचार्ज बिल है ही डाउन कराइए, ये टीवी चैनल को ही कोर्ट बना करके केस लड़ते हैं। कपीश जी मैं सवाल सुनिए, आप कपीश जी मेरे सवाल सुनिए, एक बार सवाल सुन लीजिए सर, सर सवाल सुन लीजिए, आपसे कह रही हूँ एक मिश्रा जी, देखिए अपनी समाजवादी पार्टी को सुना आपने, बीजेपी को सुना, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मुद्दा क्या था और कहां से कहां जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को लेकर जो हमदर्दी है वो यहां देखी जा रही है, मौलाना उनके लिए दुआ कर रहे हैं और जो शूटर उनके लिए बददुआ की जा रही है, ये कहीं ना कहीं उल्टा उलट फिर क्यों हो रहा है, क्या वाकई ये एक धर्म की राजनीति हो रही है? एके मिश्रा जी, नहीं देखिए मैम, मैंने आपको बोला कुछ लोगों की रिश्तेदारियां होंगी, बड़े चहेते होंगे, उनका स्वार्थ होगा, जो लोग हैं वो लोग डेफिनेटली दुआ कर रहे हैं, कोई कब्र पे जाके भारत रत्न दिलाने की बात कर रहा है, कोई शहीद डिक्लेयर करने की बात कर रहा है, ये बड़े दुख की बात है। कांग्रेस नेता ने तो सर तिरंगा लगा दिया कब्र पे जाकर, कि भाई भाई आप न अतीक को माफिया बोलिए न शूटर को बोलिए, वो डिसाइड करेगा कोर्ट, मैं कानून की बात कर रहा हूँ जो कपीश जी ने बोला। दूसरी सबसे